तो वही उत्तरकाशी में पथराव और लाठीचार्ज की घटना के बाद तीसरे दिन बाजार खुले, अब हालात बिल्कुल सामान्य है। पुलिस ने प्रेस वार्ता बुलाने वाले धार्मिक संगठन के 3 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी धारा 163 के उल्लंघन को लेकर की गई है। इसके अलावा जितेंद्र सिंह, सोनू नेगी और सूरज जबराल पर बवाल के मामले पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उत्तरकाशी मस्जिद विवाद जमीन को लेकर जो पिछले 3 दिनों से हंगामा चल रहा है, आज तीसरे दिन जो बाज़ार हैं वो खुले हैं और लोग आ जा रहे हैं और शहर में शांति है और जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो खुले हैं। हम ठीक अभी जिस मस्जिद की ज़मीन पर विवाद हुए हैं वहीं पे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये उत्तरकाशी की सबसे बड़ी मस्जिद उत्तरकाशी में है, जिला मुख्यालय के पास ही, और इसी ज़मीन को लेकर जो दो समुदाय या दो हिंदू संगठन व्यापार मंडल और जो एक समुदाय विशेष के लोग हैं उनमें विवाद हुआ था। हिंदू संगठन और व्यापार मंडल के लोगों ने एक प्रेस वार्ता की और उसमें उन्होंने जो धारा 163 यहाँ पे लगी है उसका उल्लंघन किया। पुलिस ने प्रोटेस्ट करते हुए उन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब वो 3 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन अब देखना होगा कि 3 दिनों से यह मामला चला आ रहा है और ये मामला अब कब शांत होगा। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस बल हम दिखा सकते हैं यहाँ पे कि मस्जिद के चारों तरफ पुलिस के जवान लगे हुए हैं, लगातार वो पुलिस की यहाँ पे जो पुलिस के जवान हैं वो मस्जिद की यहाँ पर वो रेकी कर रहे हैं, कोई यहाँ पर विवाद न हो, कोई यहाँ पर ना आ पाए, इसको लेकर पूरी मॉनिटरिंग यहाँ पे की जा रही है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा। लेकिन अभी भी ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह शांति थी लेकिन जब हिंदू संगठन और व्यापार मंडल के लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की उसी दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और अब वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज स्टेट, उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में हालात अभी सामान्य होते जा रहे हैं। बता दें कि मस्जिद विवाद को लेकर बीते दिनों यहां पर काफी ज्यादा हो हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद धार्मिक संगठन के 3 पदाधिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। 3 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर जहां हालात अब 3 दिनों के बाद सामान्य होती हुई नजर आ रही है, यहां पर गश्त भी पुलिस की ओर से बार बार किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर जहां 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया, ये जो 3 लोग हैं वो धार्मिक संगठन के बताए जा रहे हैं जिनकी ओर से ये पूरा हंगामा किया गया था, ऐसे आरोप भी उन पर लगाए गए हैं। तीसरी तस्वीर 24 अक्टूबर की है जब यहां पर सबसे ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिला था। 24 अक्टूबर को बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन हो या फिर स्थानीय लोग हो वो यहां पर पहुंचते हैं, जिनसे पुलिस की नोकझोंक भी होती है, झड़प भी होती है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने। जो पहली तस्वीर, हालात फिलहाल सामान्य हो चुके हैं और ऐसे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई थी जिसके बाद सभी लोगों को ये जानकारी भी दी गई।